मेरा नाम सुखवंत सिंह बराड़ है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव खिंपावाली, जो पाकिस्तान और राजस्थान बॉर्डर के ऊपर है, जिला फाजिलका, लोकसभा फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। मैं गुजरात, जो कि पंजाब के बाद स्टार्ट हुआ था 2009 में, उस वक्त से इलेक्शन कमीशन में काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे यादगार पल आज भी, जब मैं पहली दफ़ा गुजरात में एज ए LRO काम कर रहा था, रात के 1:30 बजे का वक्त था। हम एक वहाँ की विधानसभा मोडासा है, वहाँ के असेंबली लेवल की काउंटिंग करवा रहे थे। कुछ धमकियाँ आने लगी रात के 12:30 बजे के करीब कि अगर आपने ये ना किया तो हम यहाँ आग लगा देंगे, वो कर देंगे। पर उन सारी चीज़ों के बावजूद जो हमें सिस्टम ने सिखाया, उसी बात को आगे रखते हुए हमने यही कहा कि चाहे आप कुछ भी कर दो, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें इजाज़त देता है हमारा धर्म, हमारा ईमान इजाज़त देता है, हमारी पार्टी इजाज़त देती है। तो जब काउंटिंग ख़त्म की तो एक काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी ने आके कहा कि बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, बाबा आप क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो, ये तो युवाओं का चुनाव है। कहता, मेरा ये बेटा, उसने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा कि ये वहाँ मोडासा विधानसभा का अध्यक्ष बन गया है। तो उस लड़के को मैंने कभी भी नहीं देखा था जितनी देर मैं वहाँ फील्ड में रहा। एक बहुत ही साधारण वो लड़का था, और उस वक्त ये लगा कि धन्या राहुल गांधी तू, अगर ये सिस्टम ना शुरू किया जाता तो ये लड़का शायद कभी वहाँ का अध्यक्ष ना बन पाता।